أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। मैथमेटिक्स ऑफ 6 क्लास के स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं भाई। पिछले लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को किया था कम्प्लीट। आज इंशाअल्लाहुल अजीज नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। बुक का पेज नंबर नोट कर लें, पेज नंबर है जी 7, ठीक है। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है, तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है जी फैक्टराइजेशन के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स नोटेशन, और इसी के अंदर आज हम लोग सीखेंगे डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है जी, कि ये क्या होती है और इनको जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया जी। इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास आज का जो है वो कहता है जी प्राइम फैक्टर्स ऑफ अप टू 4 डिजिट नंबर्स एंड हाउ टू एक्सप्रेस देम इन इंडेक्स नोटेशन, ठीक हो गया। ये टॉपिक है वो कहते हैं जी हमारे पास जो है प्राइम फैक्टर यानी मुफरिद तजजी ये होती क्या है, पहला पॉइंट मैं उठाने लगा हूँ, ठीक है। इसमें डेफिनेशन आप लोगों को सामने नजर आ रही है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन नंबर यानी जो गिवन नंबर होता है, दिया गया नंबर होता है उसको लिखने का एक ऐसा तरीका, प्रोसेस तरीका, नंबर जो है गिवन नंबर जो दिया जाता है उसका इन टू इट्स फैक्टर, उसको जो है हम उसके फैक्टर्स में लिखते हैं, उसके आदाद में लिखते हैं, इज नोन एज, वो तरीका क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है, तजजी कहलाता है, ठीक हो गया। तो जिस तरह की उसने एग्जांपल दी है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 18 एक नंबर है, अब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 6, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये जो दोनों आप लोगों को नजर आ रहे हैं 3 और 6 ये दोनों फैक्टर हैं किसके, 18 के। इसी तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 18 = 2 × 9, अगर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आता है 18 आ जाता है, इट्स मीन 2 और 9 भी क्या हैं इसके फैक्टर हैं। बस जी इसी तरीके को उसने बोल दिया क्या, फैक्टराइजेशन के तजजी का ये तरीका है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं उसने दूसरी बात क्या की थी, उसने बात की थी पहले फैक्टराइजेशन की बात की, अब उसने दूसरी बात की है जी प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको रीड कर लेते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम बोलते हैं मुफरिद को, अब ये मुफरिद कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो सकें, ठीक है जी। यहाँ पे रीड कर लेते हैं, कहते हैं अ कंपोजिट नंबर, नंबर क्या दे रहा है कंपोजिट, कंपोजिट बोलते हैं मुरक्कब नंबर को, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम इस तरह से वजाहत कर सकते हैं उसकी, एज द प्रोडक्ट, क्या है जी प्रोडक्ट है, हासिल जरब है किसका, ऑफ 2 or more प्राइम नंबर, कोई से 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं, विच आर कॉल्ड, जो कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स, मुफरिद जो है आदाद या मुफरिद जो है अजाफ कहलाते हैं, बात क्लियर होगी। अब यहां पे जो है द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग, तजी का एक ऐसा अमल अ नंबर, एक नंबर का इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, किसमें जो चेंज करता है मुफरिद तजी में चेंज करता है, इज नाउन, जिसको हम जानते हैं एज प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी किस नाम से, प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से, मुफरिद तजी के नाम से हम जानते हैं, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है जी प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन By using 2 methods, ये जो है कितने मेथड से हल की जाती है, 2 मेथड से, कौन कौन से मेथड है, नंबर 1 डिवीजन मेथड है तकसीम का अमल, दूसरा कौन सा मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। तो इसमें जो है हमारे पास जो आज सीखने को मिलेंगे वो 2 प्रोसीजर मिलेंगे, नंबर 1 डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे, नंबर 2 फैक्टर ऑफ ट्री मेथड, इसमें जो है हम लोग बनाएंगे ट्री, क्लियर हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल देखें जी,
एग्जाम्पल जो उसने यहाँ पे दे दी वो कहता है फाइंड, एग्जाम्पल नंबर 11 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। क्या करना है जी, जो ये 36 है हमारे पास, ये एक नंबर दे दिया उसने और इसकी क्या कहते हैं मुफरिद तजजी करें। ठीक हो गया। अब इसमें किस तरीके से करनी है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे उसने दो मेथड दिए हैं, नंबर एक डिवीजन मेथड से करनी है, नंबर दो जो है हमने क्या बनाना है फैक्टर ट्री मेथड। अब डिवीजन मेथड कैसा होता है ये पीछे हम लोग रीड कर चुके हैं, तो ये आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं डिवीजन मेथड। और जो इस तरह से ट्री बनता है इसको जो है ट्री मेथड बोला जाता है, बात क्लियर होगी। अब इसको बनाना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, चलें चल के जो है बाय हैंड इसको कर लेते हैं सॉल्व जी। हम लोग जो है सॉल्यूशन की तरफ चलने लगे। यहाँ पे जो है मेरे पास एग्जांपल नंबर क्या है जी, मेरे पास एग्जांपल नंबर 11 है, इसमें मैंने क्वेश्चन को लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग जो है पहला मेथड अप्लाई करेंगे, पहला मेथड हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे बाय डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड के साथ जो है हम लोग करने लगे हैं सॉल्व। तो नंबर क्या है हमारे पास 36, 36 को आप लोगों ने इस साइड पे लिख लेना है, बात क्लियर होगी। अब यहां से आप लोगों ने टेबल स्टार्ट कर देना जी, समाल से समाल। अब समाल टेबल कौन सा, टू का। कैसे पता चलेगा, जब लास्ट नंबर आप लोगों के पास 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर हो, ठीक है, डिजिट के एंड पे, तो हमने हमेशा क्या करना है स्मॉल टेबल टू का टेबल स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे एंड पे 1 हो 3, 5, 7, 9 तो फिर कोई नेक्स्ट टेबल पड़ेंगे, या 3 का या 5 का या 7 का या 9 का, इस तरह से बात क्लियर होगी। तो इस पे हम कौन सा स्टार्ट करने लगे हैं, 2 का टेबल, 2 1 2, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 16, तो 2 का टेबल पढ़ें भाई, आंसर क्या आना चाहिए 16, 2 8 द 16, क्लियर। अब अगेन 2 का टेबल फिर से स्टार्ट करें, 2 9 द 18 जी, अब कौन सा टेबल जा रहा है 3 का, 3 3 द 9, नाउ 3 1 द 3, बात क्लियर होगी। इस तरह से हमारे पास ये जो प्रोसीजर आया, ये प्रोसीजर कौन सा है, बाय डिवीजन मेथड है। अब हमने क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखें जी कौन सा नंबर था हमारे पास 36, 36 किसके इक्वल आ रहा है, ये सारे नंबर, ये सारे फैक्टर्स उठाएं लिखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, बात क्लियर होगी। तो डेयर स्टूडेंट यही इसका आंसर आ चुका है, ये किस मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये हम लोगों ने बाय डिवीजन मेथड से जो है इसकी फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा था फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 के नंबर जो हमारे पास 36 है उसकी आप लोगों ने क्या करनी है मुफरिद तजजी बनानी है, जो हमने तजजी डन कर दी। अब इसी को वो कहते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है बाय फैक्टर ट्री मेथड, ट्री मेथड से जो इसको सॉल्व करें। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, वो नंबर जो है हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है, कौन सा नंबर है हमारे पास 36 है, बात क्लियर होगी। तो 36 की हमने क्या करनी है, हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन किस मेथड से करनी है, ट्री मेथड बनाना है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल से है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। 36 को उसी तरह एक साइड पे लिख लें, ठीक है, और उसी तरह से जैसे कि ऊपर आप लोगों ने बाय डिवीजन मेथड किया, यहाँ पे वो प्रोसीजर हल करते जाना है और इधर हमने लिखते जाना है। देखें जी 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 1 द 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 16, 2 का टेबल अगेन पढ़ें 2 8 द 16, बात क्लियर होगी। तो अब पहले बॉक्स के अंदर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल बना लिया हमने, तो इसमें स्मॉल नंबर हमने लिखना है, ठीक है, कौन सा नंबर है 2। उसके बाद नेक्स्ट इधर आप लोग बॉक्स बना लें, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग सर्कल बना लें, आप लोगों की मर्जी है, कोई टेंशन नहीं है, बात क्लियर। अब इसमें कौन सा नंबर आएगा, ये जो ग्रेटर नंबर आया, बड़ा नंबर, ये यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर देना है, और इन दोनों के मिड में साइन कौन सा देना है, मल्टीप्लाई का, क्लियर हो गया, ये दो फैक्टर बन चुके हैं। अब इनको अगेन हम लोग नीचे की तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये 2 यहाँ पे अगेन लिख देंगे, बात क्लियर होगी। अब इस 18 को मजीद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 18 था, तो 2 का टेबल अगेन स्टार्ट करें 2 9 द 18, अब यहाँ पे अगेन हमारे पास दो पेयर बन रही हैं, यानी यहाँ पे जो है कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 2 एंड 9 का,
ठीक हो गया, इसको आप लोगों ने पुट कर देना है, इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अब ये टू अगेन से नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें, बात क्लियर होगी। इस टू को हम लोगों ने यहाँ पे अगेन से लिख दिया। अब उसके बाद ये टू जो है इसको भी आप लोग नीचे की तरफ मूव कर दें, यहाँ पे इसको लिख दें। इनके मिड में कौन सा साइन देना है, मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आया था, नाइन, अभी इस पे टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कौन सा टेबल है, थ्री का, थ्री थ्री द नाइन एंड थ्री वन द थ्री, इट्स मीन नाइन की जगह अब हमने क्या लिखना है, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, इट्स मीन यहाँ पे जो है हमारे पास दो बॉक्स और बन जाएंगे। एक बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, थ्री, और दूसरे बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, थ्री, बात क्लियर होगी। तो इट्स मीन यहाँ पे इन दोनों के मिड में हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन दे देना है, यहाँ तक क्लियर। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास जो है 36 के फैक्टर कौन से बने हैं, यहाँ पे लिखेंगे 36 इज इक्वल टू कौन कौन से, टू मल्टीप्लाई टू लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, बात क्लियर होगी। तो लें जी, ये था हमारे पास ट्री मेथड, ठीक है, जिससे हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया, क्लियर होगी। अब देखें जी, नेक्स्ट जो है उसने प्रैक्टिस के लिए कुछ जो है हमें पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, चलते हैं बुक की तरफ। बुक से जो है आप लोगों को मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूं, उसके बाद जो है फिर सॉल्व करते हैं। ये देखें जी, बुक का पेज नंबर है 7, बात क्लियर हो रही है। और इसमें देखें कि इसके अंदर जो है हमारे पास पहला नंबर क्या नजर आ रहा है, हमारे पास 30, फिर कहता है जी 210, फिर 633, उसके बाद जो है 310, ये नंबर्स हैं जिनकी जो हमने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इन नंबर को भी हम लोगों ने जो है दोनों मेथड से करना है सॉल्व। तो चलें जी, चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे जो है मैंने उस नंबर को लिख लिया, कौन सा नंबर है मेरे पास, मेरे पास जो है 30 है। तो हम जो है जस्ट इसको क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे, इसमें ट्री मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, क्लियर हो गया। तो इसमें जो है मैंने क्या किया, मैंने 30 को एक साइड पे लिखा और स्मॉल से स्मॉल टेबल कर दिया स्टार्ट। तो ले जी, 21 द 2 रिमाइंडर आ गया हमारे पास यहाँ पे 1, तो 25 द 10 हो जाएगा। नाउ अब कौन सा टेबल पढ़ें, 3 का, 35 द 15, नाउ 51 द 5, बात क्लियर होगी। तो डेयर स्टूडेंट अब यहाँ पे लिखें 30 इज इक्वल टू जी, कौन कौन से नंबर आए हैं इसके, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिखें जी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब यही जो है इसके फैक्टर है, क्या लिखेंगे यहां पे, लिख दें प्राइम फैक्टर्स एफ ए सी टी ओ आर एस ऑफ किसके, 30 के इज इक्वल टू, कौन कौन से आई हैं, 2 3 5, ले जी यही आंसर है, बात क्लियर होगी। इस तरह से जो है हमने नेक्स्ट दूसरे नंबर को भी सॉल्व करना है। अब इसमें देखें, इसमें उसने कौन सा नंबर दिया, इसके अंदर वो कहता है जी 210 है, तो इसको भी डियर स्टूडेंट पहले यहाँ पे लिख लें कि जो नंबर है सॉल्यूशन में, और एक साइड पे लिखें, ठीक है, इसकी भी उसी तरह से जो है फैक्टराइजेशन कर दें स्टार्ट, 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 1 2। अब यहाँ पे देखें, ये 1 है, लेस है, छोटा है, हिंसा 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह यहाँ पे 0 को पुट करेंगे और ये नेक्स्ट नंबर के साथ इसको मिला के फिर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे बन गया 10, तो 2 का टेबल हम करेंगे स्टार्ट, 2 5 द 10, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेबल जा रहा है, 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे, 3 3 द 9, 10 में से 9 आउट किया तो बाकी हमारे पास कितना आ गया, 1, तो ये हो गया 15, ठीक है। तो 3 5 द 15, नेक्स्ट 5 का टेबल करें स्टार्ट, 5 7 द कितना हो जाएगा, 35, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 7 1 द 7, क्लियर हो गया। इस तरह से हमने इसके जो फैक्टर बनाए, यहाँ पे सेम एज इट लिखेंगे। अब मैं इन शॉर्ट लिखना चाह रहा हूँ, क्या है जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइम फैक्टर, पीएफ का मतलब क्या है, प्राइम फैक्टर किसके, ऑफ हमारे पास नंबर क्या था, 210, यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर आए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, बात क्लियर होगी। तो यही हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने क्या किया जी, इसके जो है
जो उसने पॉइंट दिए उन दोनों पॉइंटों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 633, ठीक हो गया। इसके भी हमने सेम एज इट उसी तरह से क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं फाइंड। तो इसको जो है एक साइड पे लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखें जी 633। अब देखिए इस पर 2 का टेबल तो जाने से रहा, ठीक है। तो कौन सा टेबल करेंगे स्टार्ट, 3 का टेबल, 3 2 6 3 1 3 3 1 3। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें कि 211 इस पे कौन सा टेबल जाता है, तो कोई भी ऐसा टेबल हमें नजर नहीं आता जो जा रहा हो सिवाय इसके अपने, यानी 211 के। तो 211 को 211 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 633 के। तो कौन कौन से आए, 3 × 211। बात क्लियर होगी। तो लें जी, यही जो है इसके मुफरिद आद हैं, प्राइम फैक्टर हैं जो उसने पूछे थे, ये आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो उसने एक नंबर दे दिया, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 310। तो 310 के आप लोगों ने सेम उसी तरह से मुफरिद तज़ी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया वो नंबर जो उसने खुद दिया, इस साइड पे उस नंबर को लिख लें और इसके बना लें प्राइम फैक्टर्स। जी टेबल हम लोगों ने स्टार्ट किया 2 का, 2 1 द 2, रिमाइंडर कितना आया 1, ये हो गया 11। 2 5 द 10, यहाँ से रिमाइंडर अगेन 1 आ गया, तो 2 5 द 10। बात क्लियर होगी। इस तरह से हमारे पास जो है क्या नंबर आया, 155। अब इस पे देखिए कौन सा टेबल जाता है, 5 का। तो 5 3 द 15, 5 1 द 5। अब 31 पे कौन सा टेबल जाता है, कोई टेबल भी जाता हुआ नजर नहीं आता, ओनली इट्स सेल्फ नंबर सिवाय इसके अपने नंबर के। तो 31 को अगर हम 31 से करें डिवाइड तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो डियर स्टूडेंट यहां पे चल के लिख दो, क्या लिखना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 310 के, कौन कौन सी हैं, 2 × 5 × 31। तो डियर स्टूडेंट यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। बात क्लियर होगी जी। अब इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक हो गया। अब इसमें क्या कहता है, वो कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108, देन एक्सप्रेस द रिजल्ट इन इंडेक्स नोटेशन। क्या करना है, इस एग्जाम्पल को जो है हम लोगों ने सॉल्व करना है और उसके बाद हम लोगों ने इंडेक्स नोटेशन के अंदर इसका आंसर देना है। बुक की तरफ चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रीड करते हैं कि इंडेक्स नोटेशन क्या है, किस फॉर्म में लिखी जाती है। बात क्लियर हो रही है, तो लें जी स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा बुक का पेज नंबर है 8। यहाँ पे उसने दिया इंडेक्स नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से कोई भी नंबर दिया जाता है हम लोग उसके बनाते हैं पहले फैक्टर, प्राइम फैक्टर बनाने के बाद फिर उसकी तादाद ऊपर लिख देते हैं, ठीक है भाई। ये 10 जो है कितनी बार आया, तो ये जो 2 टाइम आया है तो यही इंडेक्स नोटेशन है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे कि 2 की पावर 5 है, तो जो ऊपर वाला छोटा सा स्मॉल यानी पावर है वो क्या कहलाएगा, वो इंडेक्स कहलाएगा, और जो नीचे वाला हिंसा होगा वो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को कि 2 की पावर 5 है ना, तो उसको कैसे रीड करेंगे, ये जो ऊपर पावर होगी उसको इंडेक्स बोला जाता है, और जो नीचे हमारे पास बेस में है यानी बुनियाद है उसको क्या बोलेंगे, बेस बोल देंगे। बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। अब इसकी डेफिनेशन कर लें रीड, वो कहता है द रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी करता है किसकी, ऑफ प्राइम फैक्टर की, इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई की पावर कुछ भी, इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 12 आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट उसने कुछ इस तरह से दी, वो कहता है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108,
देन एक्सप्रेस द रिजल्ट, फिर इसका जो रिजल्ट है उसको किस में लिखो, इंडेक्स नोटेशन में लिखो, यानी इस तरह से पावर्स में बना के लिखो। बात क्लियर होगी? तो चले जी चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। एग्जाम्पल जो है हम लोगों ने नोट कर ली और इसके बाद जो है हम लोगों ने इसका सोल्यूशन कर दिया स्टार्ट। तो 108 को डेयर स्टूडेंट एक साइड पे लिखो, इसके बना लो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस नंबर को लिख लिया 108 को। अब आप लोगों ने करना क्या है, 2 का टेबल कर देना है स्टार्ट। तो 25 द 10, 24 द 8, नाउ अगेन 2 का टेबल करें स्टार्ट, 22 द 4, रिमाइंडर क्या आया 1, यहाँ भी कितना हो गया 14। तो 2 का टेबल 27 द 14, नाउ कौन सा टेबल करेंगे स्टार्ट, 3 का, 39 द 27, फिर से 3 का टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, तो 33 द 9, अगेन 31 द 3। क्लियर हो गया? ले जी इस तरह से हम लोगों ने जो है क्या किया, बाय डिवीजन मेथड, किस मेथड से किया है, बाय डिवीजन मेथड से किया है, तकसीम के अमल से, ठीक है। तो इस पे जो है हमारे पास जो है ये फैक्टर आ चुके हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 आर, कौन कौन से हैं भाई यहाँ पे लिख दो, कौन कौन से हमारे पास फैक्टर आए हैं 108 के, यहाँ पे हमने 108 लिखा, तो यहाँ पे लिखें जी टू, हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, 2 टाइम आया, लिखें जी 1 2, 3 कितनी बार आया 1 2 3, 3 टाइम आया 1 2 3, क्लियर हो गया। अब इस तरह से हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है, लेकिन उसने क्या कहा था, इन इंडेक्स नोटेशन में लिखें। तो डियर स्टूडेंट यहां पे लिख दो इन इंडेक्स INDEX नोटेशन, NOTATION इन इंडेक्स नोटेशन फॉर्म, जब हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे 108 है, 2 की पावर हाउ मेनी टाइम्स, यानी 2 कितनी बार आया, 2 मरतबा आया, तो 2 के ऊपर छोटा सा पावर बना के 2 लिख देना है, क्लियर। अब उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दें, अब 3 काउंट करें 1 2 3, 3 टाइम आया, तो 3 बेस का बड़ा लिखना है और जो ऊपर एक्सपोनेंशियल लिखना है, इंडेक्स लिखना है, वो छोटा करके लिखना है, ठीक है, यहाँ पे यूं, यानी 3 कितने टाइम आया, 3 टाइम। तो इस तरह से जो है हमने इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख दिया, बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 12 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे एक और पॉइंट वो दे देता है, वो कहता है जी आप लोगों ने एग्जाम्पल तो कर ली डन, तो अब हम लोगों ने करना क्या है, प्रैक्टिस के तौर पर उसने अगेन से जो है हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, ठीक है। अब उन नंबर्स को हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप लोग कहेंगे भी हमें तो बुक का पेज नंबर नजर नहीं आ रहा, तो चलें जी बुक के पेज नंबर की तरफ चलते हैं। ये देखें जी बुक का पेज नंबर है हमारे पास 8, ठीक है, नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट जरा गौर करें, यहाँ पे उसने प्रैक्टिस दी है, ठीक है, एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले कौन कौन से नंबर दिए हैं, 96 192 576 4032। करना क्या है, वो कहता है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, क्या करो प्राइम फैक्टर्स मालूम करो और उसके बाद मुफरित तजी करो और फिर उन नंबर्स को एक्सप्रेस करो, किस में, इंडेक्स नोटेशन में जाके लिख दो। क्लियर होगी? तो पहला नंबर हमारे पास कौन सा है, 96। चलिए जी करते हैं इसको सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या किया, उस नंबर को जो है यहाँ पे लिख लिया, कौन सा नंबर है मेरे पास, 96। क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग इसकी तजी करेंगे, फैक्टर बनाएंगे आम सादा लफ्जों के अंदर, ठीक है, डिवाइड करते जाएंगे, हल करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। यहाँ पे उस नंबर को लिख लें, कौन सा नंबर है, 96। इधर भी उस नंबर को अगेन से लिख लिया हमने, स्मॉल से स्मॉल टेबल कौन सा है, 2 का, करें स्टार्ट 24 द 8 हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आता है 1। बात क्लियर होगी, कितना बन गया, 16 बन गया। तो 2 का टेबल अगेन स्टार्ट करें, 28 द 16, नाउ 2 का टेबल अगेन 22 द 4, 24 द 8 जी, 21 द 2, 22 द 4, इसी तरह से अगेन आगे कंटिन्यू करें, जब तक टेबल जाता जाएगा हम लोग रुकेंगे नहीं जब तक 1 आंसर ना आ जाए। तो 26 द 12, 23 द 6,
नाउ थ्री वन द थ्री, ये देखें ये बन आ चुका है, ठीक है, इस तरह से ये बन आ चुका है। यहाँ पे एक बात और आप लोग अपने माइंड में बिठा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जब तक आप लोगों को टेबल नहीं आएंगे, पहाड़े नहीं आएंगे, मैथ आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए आप लोग सबसे पहले 20 तक पहाड़े अच्छे से रेडी करें, चाहे इंग्लिश में, चाहे उर्दू में, चाहे सराइकी में, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप लोग जो है पहाड़े टेबल रेडी कर लें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इस चैनल पे तकरीबन इंग्लिश कम और उर्दू में ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैथ बिल्कुल ईजी हो गए, यानी हम लोग समझ सकें, क्लियर हो रही है बात। और अगर आप लोगों को कहीं से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, कोई आप लोगों का पॉइंट रह जाता है या कोई क्वेश्चन होता है, तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकती हैं, और साथ में मुझे ये भी बताया करें कि मेरे जो पढ़ाने का अंदाज है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, बोलने का अंदाज, क्या मैं फास्ट यानी स्पीड में बात कर रहा हूँ या नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। चलिए जी चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जो हम लोगों ने क्या लिखना है, 96 के फैक्टर ये हमने बना लिए ना, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर, पी से क्या मुराद है प्राइम, एफ से क्या मुराद है फैक्टर्स, शॉर्टकट लिख रहा हूं ताकि टाइम सेव कर सकूं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके भाई, 96, ठीक है, यही नंबर है ना हमारे पास, तो 96 के यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, दो कितनी मरतबा आया, एक दो तीन चार मरतबा आया, तो लिखो एक दो तीन चार मरतबा हम लोगों ने क्या लिखा, दो को लिख दिया। उसके बाद तीन कितनी बार आया, सिर्फ एक मरतबा, क्लियर। अच्छा जी, अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा था इंडेक्स नोटेशन में लिखो, यानी कुव्वत नुमा शक्ल में लिखो। इंडेक्स नोटेशन को उर्दू में क्या बोलते हैं, ये देखिए मैंने ऊपर जो है लिखा है कि ये देखें यहाँ पे जो है ना, मैंने क्वेश्चन में बताया था, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सप्रेस देम इन इंडेक्स नोटेशन, के दर्जेल आदाद के क्या करनी है, प्राइम, प्राइम बोलते हैं मुफरिद को, ठीक है, फैक्टर्स बोलते हैं आद को, फाइंड मालूम करें, और इनको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, कुव्वत नुमा शक्ल में, यानी पावर की शक्ल में हमने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने प्राइम फैक्टर बना लिए 96 के, अब इसको किस में लिखने वाले हैं, इसको जो हम लोगों ने चेंज कर देना है जस्ट पावर में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें कौन सा नंबर है, टू है, टू लिख लिया। अब टू कितनी मरतबा आया है, वो एक दो तीन चार मरतबा आया, तो यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी, फोर, मल्टीप्लाई आगे कौन सा नंबर है, थ्री, तीन कितनी मरतबा आया, एक बार, तो यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी, ओनली वन, बात क्लियर होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, क्लियर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 192, ठीक है, ये सेकंड पार्ट उसने दिया है, तो इसको भी उसी तरह से आप लोगों ने कर लेना है सॉल्व। यहां पे लिखेंगे 192, क्लियर, इधर भी लिखें 192 जी। टेबल स्मॉल से स्मॉल टेबल हमारे पास कौन सा है, टू का, कर दें स्टार्ट, वन पे तो जाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वन जो है स्मॉल है और टू ग्रेटर है, तो इसलिए ये दो नंबर इकट्ठे कर देंगे, 19 हो जाएगा। तो टू का टेबल पढ़ें, टू नाइन दा 18, रिमाइंडर क्या आया, वन, अब ये कितना हो गया 12, तो टू का टेबल 26 दा 12 जी, टू का टेबल फिर करें स्टार्ट, 24 दा 8, रिमाइंडर क्या आ गया, वन, यहाँ पे कितना हो गया 16, ठीक है, तो टू का टेबल अगेन स्टार्ट करें, 28 दा 16, नाउ अगेन टू का टेबल फिर से स्टार्ट करें, 22 दा 4, 24 दा 8 जी, फिर टू का टेबल 21 दा 2, 22 दा 4, क्लियर हो रही है। बस आप लोगों ने टेबल को मद्देनजर रखना है और बस रीडिंग करते जाना है और इसको कट करते जाना है जी, 26 दा 12, 23 दा 6 एंड 31 दा 3, बात क्लियर होगी। इस तरह से आप लोगों ने प्राइम फैक्टर बना लेने हैं, तो यहाँ पे एंड पे जाके आप लोगों ने लिख देना है, क्या लिखना है भाई, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 192 के इज इक्वल जी, देखें यहां से काउंट करें, गिनें कि दो कितनी मरतबा आया है जी, काउंट करें, एक दो तीन चार पांच मरतबा आया, तो लिखें जी 1 2 3 4 5 टाइम आ गया, थ्री कितने टाइम आया, ओनली वन टाइम, लिखें जी यहाँ पे। अब इसको किस में लिखना है, आप लोगों ने
जी इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, टू कितने बार आया, फाइव टाइम आया, तो यहाँ पे लिखा जी टू, इसके ऊपर समाल फाइव कर दिया। मल्टीप्लाई थ्री कितने टाइम आया, ओनली वन टाइम, तो यहाँ पे वन कर दिया। क्लियर हो गया, इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्लियर, नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट इसका। अब थर्ड पार्ट में उसने क्या रकम दी है, 576 दे दी, तो इसको करते हैं सॉल्व। इसको भी लिख लें एक साइड पे 576, और इधर जो है इसके बनाना कर दें शुरू फैक्टर, प्राइम फैक्टर, टू का टेबल करें स्टार्ट, टू टू द फोर, रिमाइंडर क्या आ गया वन, यहाँ भी कितना हो गया 17, तो टू का टेबल अगेन, टू एट द 16, अब यहाँ पे बाकी कितना बचेगा वन, ये कितना हो जाएगा 16, तो भाई दो अट्ठे कितना हो जाएगा 16, यानी टू एट द 16 हो जाएगा जी। अगेन टू वन द टू, टू फोर द एट, टू फोर द एट, लें जी टू का टेबल फिर से करें स्टार्ट, टू सेवन द 14, टू टू द 4, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब अगेन टू का टेबल फिर से स्टार्ट करें, टू थ्री द 6, रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ पे हो गया 12, टू सिक्स द 12 जी, टू वन द 2, रिमाइंडर क्या आया 1, 16 हो गया, टू एट द 16, अगेन टू का टेबल, टू नाइन द 18 जी, आगे चलते चलें, थ्री का टेबल, थ्री थ्री द 9 एंड थ्री वन द 3, बात क्लियर होगी। अब इस तरह से जो है आप लोगों ने ये सारे के सारे फैक्टर जो बनाए, इनको आप उठाएं और लिखें, यहाँ पे लिखें जी क्या लिखने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, 576 के, क्लियर हो गया, ये हम लोग लिखने वाले हैं। और जी यहाँ पे मैंने जो है लिख दिया 576 इज इक्वल टू, देखें जी दो कितनी मरतबा आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया, लिखें 1 2 3 4 5 6 जी, थ्री कितने बार आया, 1 और 1 2 टाइम आया, 1 2। अब इसको किस में लिखना है, आप लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में, तो यहाँ पे लिखा 576 सेम आ गया, तो टू हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, 1 2 3 4 5 6, तो दो कितनी बार आया भाई, 6 बार आया, तो ऊपर जो है 6 छोटा सा करके लिखेंगे। मल्टीप्लाई थ्री कितनी मरतबा आया है, तो यहाँ पे भाई 2 टाइम आया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जाके लिख देना है कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, बात क्लियर होगी। तो जी अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है, उसमें जो उसने नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया, वो कहते हैं 4032 यानी 4032, ये हमारे पास जो है एक नंबर है, इसका भी आप लोगों ने क्या करना है, प्राइम फैक्टर आप लोगों ने करनी है फाइंड, और इसको फिर आप लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है जी। यहाँ पे जो है आप लोगों ने एक साइड पे इस नंबर को लिख लिया, और इधर जो है आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, बात क्लियर हो रही है। तो लें जी करें टू का टेबल स्टार्ट, टू टू द 4, 2 0 0, टू वन द 2, रिमाइंडर कितना आया 1, यहाँ पे कितना हो गया 12, तो 2 6 द 12, ठीक है, अगेन टू का टेबल, 2 1 2 नहीं जाता ये 0, सेम नीचे जो आप लोगों ने लिख देना है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 1 है, 1 लेस है, 1 छोटा है किसे 2 से, नहीं जाता ना, तो फिर क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे 1 0 लगाएंगे, और इस 1 को इसके साथ मिला देंगे, अगले नंबर के साथ मिला के लिखेंगे, अब ये बन गया 16, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक, क्या आंसर आ जाए 16, तो 2 8 द 16, क्लियर होगी बात मेरी। इस तरह से आप लोगों ने टेबल यानी रीड आउट करनी है, तो 2 का टेबल अगेन, अब 2 5 द 10 हो जाएगा यहाँ तक, अब यहाँ पे नहीं जाता ये 0, सेम एज इट नीचे आ जाएगा, 2 4 द क्या हो जाएगा 8, ठीक है। नाउ अगेन 2 का टेबल फिर से करें स्टार्ट, तो 2 2 द 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये हो गया 10, तो 2 5 द 10, 2 2 द 4, फिर 2 का टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, रिमाइंडर आ गया 1, ये हो गया 12, तो 2 6 द 12 जी, अगेन 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 6 द 12, 2 3 द 6, बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे कौन सा टेबल पढ़ेंगे, अब 2 का टेबल तो नहीं जाता, तो यहाँ पे आप लोग 3 का टेबल करें स्टार्ट, 3 2 द 6, 3 1 द 3,
अगेन कौन सा टेबल, थ्री का, थ्री सेवन दा 21 एंड नाउ 71 दा 7। बात क्लियर होगी। तो इस तरह से आप लोगों ने ए टू जेड क्या कर लेनी है, इसके फैक्टर लेने हैं बना। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है ये सारे के सारे फैक्टर बना लिए। अब क्या करना है, इन फैक्टर्स को आप लोगों ने लिखना है। अब यहाँ पे काउंट करें, टू कितने मरतबा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो चलें जी चल के नीचे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 4032 के। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा 4032 इज इक्वल टू आर लिख रहे हैं। ठीक है भाई, ये जो है यानी हम इसके फैक्टर्स लिख रहे हैं। अब अगेन से काउंट करें, टू कितनी मरतबा आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया। तो यहाँ पे लिखें जी 1 2 3 4 5 6 टाइम। क्लियर हो गया। अच्छा जी, थ्री कितनी टाइम आया, टू टाइम आया, तो लिखें 1 2 टाइम 7 1 टाइम। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोगों ने किसमें लिखना है, हम लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। ठीक है, इसमें लिख दो भाई इन इंडेक्स नोटेशन, इन इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। ये जरूरी नहीं है कि आप ये वर्ड लिखें, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने की खातिर लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकती हैं। ठीक, तो यहां पे लिखें जी 4032, यही नंबर था ना ऊपर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 कितनी बार आया, 6 बार, तो लिखो जी 2 की पावर 6। ठीक है, बस एक बात का ख्याल करना है कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये थोड़ा बड़ा करके लिखना है, ऊपर वाली जो पावर है ये छोटी करके लिखनी है। अब यहां पे देखे 3 कितनी मरतबा आया, 2 टाइम, ये ऐसे 7 only 1 टाइम आया। बात क्लियर हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अजीज, आप लोगों ने ये जो एग्जाम्पल्स थी वो ए टू जेड कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह अजीज एक्सरसाइज 1.3 जो है वो करेंगे स्टार्ट इसके बाद। बात क्लियर हो रही है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट लेक्चर, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।